iPhone XS डिटेल PUBG टेस्ट इन 2023 आफ्टर अपडेट, क्योंकि इसमें iOS 16.5 का अपडेट आ गया था। तो अपडेट आने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी हुई, और उसके साथ साथ PUBG में भी नया अपडेट आया गया था डायनासोर वाला, तो वो भी हम ट्राई करेंगे कि कितना ऑप्टिमाइज है ये, लैग वगैरह करता है नहीं करता, हीटिंग कैसी है इसकी, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर गेम प्ले आपको इसके साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि अगर इस मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कोई लैग वगैरह ना दिया तो डेफिनेटली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बगैर तो आपको देने वाला नहीं है। बाकी इसकी बैटरी टाइमिंग एंड हीट वगैरह भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें अरीना खेल के दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसमें लिवे खेलेंगे, और एंड में जाकर मैं आपको इरेंगल का गेम प्ले दिखाऊंगा। गेम प्ले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उम्मीद है आप गेम प्ले इंजॉय करोगे, आप वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अरीना लगा लेते हैं और देखते हैं कि अरीना में इसकी परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलने वाली है हमें। तो फाइनली अरीना हमने लगा लिया, अब देखते हैं कि अरीना में किस तरह किसकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि विद आउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी, कोई ज़्यादा लैग वगैरह तो बिल्कुल नाम ही नहीं थी, और उसके साथ साथ फायर कनेक्टिविटी एंड गन चेंज करने की मूवमेंट, और मूवमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट देखने को मिल रही थी। मीन्स फायर कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी देखने को लग रही थी, थोड़ी सी बुलेट की कनेक्टिविटी थी और एनिमी नॉक हो रहा था। मतलब ये जब ज़्यादा जल्दी हम अक्सर गन को शिफ्ट कर रहे होते हैं और बुलेट कनेक्टिविटी होती है, वो एंड्रॉयड फोन में थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन वो इशू मुझे आईफोन एक्सएस में देखने को नहीं मिला। अब हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे और बाकी का गेम प्ले मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और कोई फ्रेम वगैरह भी स्किप हो तो वो भी आप अच्छे से देख पाओ। ये वाली जो चीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एप्पल की डिवाइसेज में ही देखने को मिलती है, और वो चीज़ आईफोन एक्सएस में भी देखने को मिल रही है। मीन एप्पल की डिवाइस है तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा फास्ट फायर रेट देखने को मिल रहा था इसका। तो आप देख सकते हैं कि अरीना में तो मुझे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली आईफोन एक्सएस में, ना ही कोई फ्रेम ड्रॉप था और ना ही कोई लैग देखने को मिला, और फायर कनेक्टिविटी तो कमाल देखने को मिल रही थी। मींस बहुत ज़्यादा इजीली मैं एनिमीज़ को नॉक कर पा रहा था, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है अरीना के अंदर। अब हम इसमें लिविक ट्राई करते हैं, लिविक में आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, क्योंकि नया वहाँ पे इवेंट भी आया हुआ है तो उसका भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इवेंट के बाद और अपडेट के बाद इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ लिविक मैंने लगा लिया था, और मैं कोशिश करूँगा कि इवेंट के ऊपर ही मैंने जंप किया, ताकि मुझे इसकी परफॉर्मेंस पता चल सके, क्योंकि जब नया इवेंट आता है उसके ऊपर ज़्यादा एनिमीज़ आते हैं, और जब हम नीचे लैंड करते हैं तो तब काफ़ी ज़्यादा मोबाइल FPS ड्रॉप भी करते हैं और फ्रेम लैग भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अभी पता चल जाएगा, अब हम उतरने वाले हैं तो हम देख पाएंगे कि इसमें लैग होता है या नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि मुझे 0% फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिला इवेंट के ऊपर भी। तो अब जल्दी से हम गेम खेलते हैं, गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब बाकी गेम प्ले इंजॉय कीजिए और साथ साथ आईफोन एक्सएस की परफॉर्मेंस का आइडिया लीजिए। On me. Thank you. तो यहाँ इवेंट पर खाली हो गया था, अब इवेंट के बाद हम आगे मूव कर गए थे, यहाँ पे कुछ एनिमीज देखने को मिले थे, तो यहाँ पे मैं फाइट लेने की कोशिश कर रहा था,
तो आपको इसकी परफॉर्मेंस का समझ आ जाएगी। पीछे इवेंट के ऊपर तो मुझे कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, अब आगे भी मुझे गेम प्ले स्मूथ ही देखने को मिल रहा था फिलहाल तो। On me. No. On me. तो यहाँ गेम प्ले में मेरी थोड़ी पिंग भी हाई आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक देखने को मिल रही थी। हालांकि इतनी हाई पिंग पे जाके काफ़ी ज़्यादा मोबाइल काफ़ी लैग करते हैं, तो मुझे आईफोन एक्सेस में कोई इतना ज़्यादा खासा लैग देखने को नहीं मिल रहा था। जब पिछला अपडेट आया था तब मुझे इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन iOS 16.5 का अपडेट काफ़ी स्टेबल अपडेट था, जिसकी वजह से मुझे इसकी परफॉर्मेंस में एक वाजिया जंप देखने को लग रहा था। उसके साथ साथ हीटिंग भी मोबाइल की काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है ये वाला अपडेट आने के बाद। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो कम से कम मुझे 2 घंटे हो गए थे गेम खेलते हुए, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया आप ज़रूर बाय कर सकते हो पबजी के लिए आईफोन एक्सेस को। Marked a location. तो आप देख सकते हैं कि लिविक में मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग गेम प्ले देखने को मिले, एक सिंगल फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिला। तो 100% पबजी के लिए आप जरूर बाय कर सकते हो एक्सेस को। अगर आप इरेंगल का गेम प्ले देखना चाहते हो तो आप जल्दी से हम इरेंगल लगाते हैं और इरेंगल का भी एक गेम प्ले आप इंजॉय कर लीजिए, उसमें भी इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। Watch out! तो यहाँ पे इरेंगल मैंने लगा लिया। इरेंगल का मेरा कोई इतना ज़्यादा अच्छा गेम प्ले तो नहीं निकला था, लेकिन ये है कि एटलीस्ट मुझे इसका परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो गया था कि किस तरह की हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इरेंगल में भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, ना ही मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप और ना ही मुझे कोई ज़्यादा लैग देखने को मिला है। बाकी आप थोड़ा सा गेम प्ले इंजॉय कीजिए, उसके बाद हम इसके ज़रा फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं। यहाँ से आप इसकी फायर कनेक्टिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि 4x लगा के M4 पे मैंने कितनी ज्यादा दूर से एनिमी को नॉक कर लिया था। मींस के बुलेट कनेक्टिविटी मुझे वाकई बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी, ये आपके बिल्कुल सामने था कि कितनी ज्यादा दूर से इजीली हमने एनिमी को नॉक कर लिया था। तो इस तरह की हमें इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। ओवरऑल इरेंगल में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, काफी देर मैंने गेम प्ले किया, मुझे कोई लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिला।
यहाँ पर लास्ट जोन था और काफ़ी ज़्यादा देर से हमने इसी जगह को होल्ड किया हुआ था और बहुत से एनिमीज़ आ रहे थे, कभी इधर से चारों तरफ यूँ कह लें कि एनिमीज़ थे, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस में तो कमी देखने को नहीं मिली, लेकिन गेम प्ले में यहाँ पे अच्छा नहीं निकाल पाया। एंड पे जाके चिकन डिनर नहीं निकला था, हम यहाँ पे एनिमीज़ के हाथों मारे गए थे, लेकिन ओवरऑल मुझे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। तो इतनी तारीफ़ करने का मकसद ही यही है कि जो मैंने रियल एक्सपीरियंस किया काफ़ी ज़्यादा देर गेम खेलने के बाद, और सबसे मेन बात कि इस मोबाइल पर मैं पहले भी गेम्स ट्राई करता रहता हूं, पहले परफॉर्मेंस हल्की सी कम थी, लेकिन ये अपडेट आने के बाद मुझे अच्छी खासी परफॉर्मेंस में जंप देखने को मिला है। तो डिटेल पबजी टेस्ट आप लोगों ने देखा आईफोन एक्सएस का, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया आईफोन एक्सएस ने 2023 में। आप इसको पबजी के लिए ज़रूर कंसीडर कर सकते हो, खास तौर पे iOS 16.5 का अपडेट एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल अपडेट था। इसके आने के बाद मुझे आईफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पहले से इंप्रूव होती हुई देखने को मिली है। वो किस तरह की हीट कंट्रोल मुझे अच्छा देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस रूम में मैं बैठ के खेल रहा था वो एसी नहीं चल रहा था वहाँ पे। और अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो टेम्परेचर है वो रूम का 31 डिग्री था, तो उसके ऊपर भी ये इतना ओवर हीट नहीं हो रहा था बैक से, मुझे ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा था। तो मेरे हिसाब से 2023 में आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, हल्के फुलके थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स तो आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं थे कि आपकी गेम में कोई ज्यादा प्रॉब्लम दे, तो उस लिहाज से आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है स्टिल इस टाइम भी। हाँ, एक चीज है कि इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो सिर्फ 2 से 2.5 घंटे ही देखने को मिलती है, या बहुत हार्डली चल जाएगा तो 3 घंटे चल जाएगा, उससे ऊपर नहीं चलता। उसके बाद आपको इसको चार्ज लगाना पड़ता है और चार्ज लगाने के बाद फिर ये ओवरहीट हो जाता है। ये है कि आपने अगर 3 घंटे का या 2.5 घंटे का गेम करना है तो आप अच्छा कर पाओगे, उसके बाद चार्जिंग के साथ इसके ऊपर आप पबजी नहीं खेल सकते। अगर आपको एक्सटर्नल कूलर यूज करें तो फिर तो मसला हल हो जाएगा। तो मेरे लिहाज से 2023 में डेफिनेटली आप आईफोन एक्सएस को जरूर कंसिडर कर सकते हो फॉर पबजी, और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हो। इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर ऊपर डालता रहता हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।